आर्ट एंड एंगेज माई पेशन चंगुन में आपका स्वागत है। आप ये देख रहे हो, ये है पर्पल आर्ट। तो पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था कि इसको कैसे लगाया जाता है और इसका पौधा कैसे बनाया जाता है। तो नंबर एक तो ये बीज से ही बनाया जाता है, इसमें ये बीज निकल रहे हैं, इसमें बीज निकलता है। तो ये अगर बीज से भी आप बनाना चाहोगे तो ये बीज से भी पौधा निकल जाता है, नहीं तो सबसे अच्छी बात है इसकी डंडी आप तोड़ोगे, ऐसे ही तोड़ सकते हो, ऐसे तोड़ सकते हो। और आप ऐसे ही नॉर्मल कहीं भी गमले में, बास्केट में, एक कहीं भी लगा सकते हो और आसानी से लग जाता है। और बीज भी इसका निकलता रहता है, ऐसे इसमें ये बीज निकल रहा है, ये ऐसे बीज होता है ये, तो ये आसानी से लगाया जाता है। तो आप लगाना चाहते हो तो इसकी कहीं डंडी मिल जाए, इसकी आराम से डंडी लेके आओ, एक डंडी आप लगा लो तो एक डंडी में से बहुत सारा हो जाता है। बास्केट में बहुत अच्छे से लगाया जाता है, जब बास्केट में लटकने नीचे की तरफ लटक जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। ये धूप में और छाँव में दोनों जगह बड़ी आसानी से चल जाता है। इसको पानी की भी बहुत कम मात्रा की ज़रूरत पड़ती है, अगर पानी इसको कम देते हो तब भी ये बहुत आसानी से चलता रहता है और कलरफुल भी होता है, बहुत अच्छा भी लगता है देखने में। तो ये लगाने में इसमें कोई नहीं, आसानी से लग जाती है। अगर ऐसे आप डंडी इसकी तोड़ के लेके अगर ऐसे लगाओगे तो ये पौधा ऐसे ही ऐसे आसानी से लग जाता है, ना मुरझाएगा, ना सूखेगा, ना कुछ भी नहीं होगा। तो आप इसको लगाने के लिए थोड़ा मिट्टी में कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट अवश्य मिलाएं, जिससे पौधा हल्का रहता है, मिट्टी भी बहुत अच्छी हो जाती है, इसमें पानी जमा नहीं होता तो उसमें बड़े आसानी से बहुत जल्दी लग जाता है। तो इस तरह पर्पल आर्ट आप लगा सकते हो, लगाने में कोई खास बात नहीं है। और चाहो तो आपको इसका प्लांट आसानी से नर्सरी पर भी मिल जाता है, तो वहाँ से लेकर के आप लगा सकते हो, नहीं तो कहीं लगा हो तो वहाँ से डंडी तोड़ के लेके आइए और आसानी से लग जाता है।